कंपैरिजन कर लेते हैं ना। चलो कर लो। कौन सी अच्छी लग रही है आपके हिसाब से? देखो भाई गाड़ी तो मेरी अच्छी है, बताओ। तो फिलहाल टाइम हो चुका है 11:30, हमारा आ चुका है ब्रेकफास्ट। बहुत टाइम लगा दिन ब्रेकफास्ट देने में, बहुत टाइम सच में। पराठे मंगाए मैंने, आज का मौसम भी ठीक है, ज्यादा धूप भी नहीं है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, बताया कि आप सब ठीक हो। और फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 12:30, हमें 12 बजे चेकआउट करना था। फिर हमने आधा एक घंटा रिक्वेस्ट की, मगर जी और थोड़ा सा समय दे दो, हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हम सोए थे सुबह 6:30-7 बजे, मगर 3-4 घंटे की नींद पूरी हुई, तो आधे घंटे का ले लें दो। और रात हम आ गए थे सीधा पंचकुला, हमने पंचकुला में आके स्टे कर लिया था। एंड पंचकुला क्यों स्टे किया वो व्लॉग में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। देन अभी रेडी हो चुके, हम वेट कर रहे कोई लगेज लेने आ जाए, बट भाई फोन ही नहीं मिल रहा, अब लेके खुद जाना पड़ेगा। भाई ये खड़ा है अपना ट्रक, लगेज रखते हैं वापस से गाड़ी में। ये एक चीज़ बताऊँ मैं, याद रखना कि अगर आप लग रहा है ना आपको आपके 4-5 दिन का है, मैं कह रहा हूँ छोटा बैग रखो करो, सबसे बेस्ट रहता है। भाई मानशु गाड़ी आगे करनी पड़ेगी, वरना इसका बोनट जाएगा खुलते ही। आवाज़ चेक करो भाई, सुबह सुबह गाड़ी की एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनने को मिल जाए, मजा आ जाए जैसे आवाज़ करें नहीं। तो भाई फिलहाल अभी हम आए यहाँ पे अपना हाई ऑक्टेन डलवाने के लिए। अभी हम यस से मिल गए थे, एंड देन हमें देखा एक चीज़ क्या भाई, यहाँ ये पहाड़ों में अभी ड्रान लग रहे हैं, हम तो जा भी रहे हैं, जान पहले ड्रान लग रही है हमें। हाँ उधर का ही है, उत्तराखंड है, तो मुंबई दिल्ली और उत्तराखंड में है, हिमाचल से है भाई। तो भाई यहाँ से ले लिया हमने कॉफ़ी, एंड कॉफ़ी हमने सोचा बहुत अच्छी मिलेगी, अच्छी थी, बट कॉफ़ी में अच्छी के साथ साथ इतना मीठा है, इतना मीठा है कि इस कॉफ़ी से मैं 10 कॉफ़ियों को और ज़्यादा मीठा कर सकता हूँ, बहुत बहुत मीठा दे दिया। मैंने बोला मीठा है, कह रही सर पहले बोलना था। यस इतना मीठा कैसे पीते चंडीगढ़ में भाई? बस हमने बोला नहीं ना कम मीठा, एक कॉफ़ी से मैं 10 कॉफ़ी को मीठा कर सकता हूँ। मिल्क शेक लग रहा है, कॉफ़ी तो लगी नहीं रही है ना। यहाँ से ना 29 मिनट दिखा रहा है 13 किलोमीटर में, अगर यही गुड़गांव में कंपेयर करूँ तो मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट खींच के, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, वो भी अगर सारे रेड लाइट को फॉलो करते हुए जाए और आराम से गाड़ी चलाए, जब मैं बता रहा हूँ 15 मिनट। यहाँ डबल दिखा रहा है, पता नहीं इतना ट्रैफिक भी नहीं है रोड पर। डिफेंडर तो ये रही और एक डिफेंडर खड़ी है सामने, क्या बट उस बोलो उसमें कोई लोडिंग है नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी अजीब लग रही होगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप सबके कि अज्जू भाई डिफेंडर आ गए, डिफेंडर आ गई है, एक और डिफेंडर आ गई है, कैसे पाजी क्या हालचाल? बस बढ़िया, आप बताओ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पाजी से मिलो, मुझे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ही बोल के कि भाई गाड़ी सेम गाड़ी अज्जू भाई के पास है, अज्जू भाई के पास है। तो फिर मैंने बात की इन भाई के साथ, मैं कहा यार अभी इतने लोग कमेंट कर रहे हैं तो मिलना तो बनता है, मिलना बनता है। बट एक्चुअली अभी एक हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी, फिर मेरा सीन था हिमाचल आने का, मैं हिमाचल जाऊँ, फिर हिमाचल इनका महीने में 2 दिन मतलब अब 1 महीने में 2 ट्रिप हिमाचल के रहते हैं। ये लोग भी यही बोलते हैं कि भाई कब कब तक हिमाचल जाओगे, हिमाचल जाओगे, बट हिमाचल से दिल ही अलग लग रहा है। आप ये एक अभी जाते हैं ना बाय रोड लंदन जाते हैं, आप वो उसका ट्राई करो, वो ज्यादा अच्छा है। बाय रोड लंदन ये ठीक है, बट बाय रोड लंदन 3 महीने लग जाएंगे, घर वाले निकाल देंगे घर से। नहीं यार भाई बहुत अच्छा लगा पार्टी। आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, और आज हमने गाड़ी की बातें की, कुछ बहुत सारी मॉडिफिकेशन जो गाड़ी में करवाने वाले हैं अज्जू भाई ने बताया, आगे चल के आपको ब्लॉग्स में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये चीजें करवाने वाली। बट मेन चीज है कि गाड़ी से बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पाजी को गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब जैसे हमें ना गाड़ी को से प्यार, ऐसे पाजी को मजा स्टार्टिंग से वो वाली बात है। और हाँ सबसे बड़ी बात है पाजी भी फॉर्च्यूनर लवर है। फॉर्च्यूनर बेस्ट, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है, इंडिया की बेस्ट गाड़ी अगर कोई है फॉर्च्यूनर है, उसके बाद जो मर्जी ले लो वो आपके अपने शौक है, ये बात सच है। बट गाड़ी फॉर्च्यूनर है, बट बहुत अच्छा लगा पाजी मिलके, सेम है, बहुत अच्छा लगा। बाकी कभी दिल्ली आना हो पक्का दिल्ली आएंगे, दिल्ली में मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन। इंटीरियर देख के तो लग नहीं रहा होगा कि हम अलग गाड़ी में बैठे हैं, बट ये गाड़ी अलग है और बहुत सारी चीज़ें अलग है। बेसिकली मैं बात करूँ तो ज़्यादा चेंज तो नहीं है, ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ रूफ का थोड़ा सा अंतर लग रहा होगा, बाकी सब सही है। बाहर से कुछ कम भी दिखा देंगे आपको, बिना लोडिंग और लोडिंग में फ़र्क है। ये स्टीकर ही पता है लोगों को, जब मैंने बताया था ना कि 21,000 रुपए स्टीकर है, हाँ मैंने भी जब मुझे पता चला 25,000 का, 21,000 का, मैं कहा यार क्या। और जिस दिन मैं इस पे पीपीएफ करवाने गया वो मुझे बोल रहा है भाजी ये उतार दे, मैं नहीं यार भाई ये नहीं उतारना, इसको छोड़ के बाकी पे कर दे। सच में मैंने भी ये किया, फिर जब मैंने उसका फेस ब्लैक कराया था ना, मैं कहा यार दिल पे दर्द तो होगा, मैं कोई बात नहीं भाई उतार, क्योंकि उसके ऊपर पीपीएफ हो नहीं थी, हो नहीं रही, कह रहा होगी नहीं और पीपीएफ निकलेगी, मगाते एक काम कर पीपीएफ निकाल दो भाई तुम। कंपैरिजन कर लेते हैं ना। चलो कर लो। कौन सी अच्छी लग रही है आपके हिसाब से?
देखो भाई गाड़ी तो मेरी अच्छी है, ये बात तो सत्य है, गाड़ी तो वाइट अच्छी है बट उसको ब्लैक रूप देने के लिए। बट अब आपके समझ में आ गया कि क्या क्या चीज करानी है, क्या क्या चीज नहीं करानी है। देखो लाइट्स, मतलब ये जो मुझे इसकी सबसे बेस्ट चीज लगी, लाइट्स और इसका रूफ कैरियर। रूफ कैरियर सबसे प्यारा है, वो जो मैं लगवाने वाला हूं। और एक बार इसकी रूफ भी ब्लैक होंगी, इसकी ब्लैक तो ये सारा मैंने कह दिया। पाजी हम ठेका दे दो, हम ठेके जा रहे हैं, आप गाड़ी ले जाओ। हाँ आप मेरी गाड़ी रख लेना, अब मैं आपकी गाड़ी ले जाऊंगा, आपको करा के वापस दे जाऊंगा, ठीक है ना। वैसे भी कोई आता है नहीं कि डिफेंडर डिफेंडर सेम ही है, वेरियंट भी सेम ही है, बस कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि पाजी का ये पार्ट ग्लॉसी करवाएंगे, जब तक मजा नहीं आएगा। ग्लॉसी मैंने मैट एक्चुअली मेरी जो मैंने सोच के करवाया था, मैंने ये मैट लुक रखी थी, इससे पहले मेरे पास वेलार थी, मैंने उसको भी ऐसे व्हाइट एंड ब्लैक करवा के रखा था, तो मेरा ये मैट था सारा। ओके तो ये मैट, ये फिर मैंने बाद में पेंट मैट में पेंट करवाया, और मैंने इसके अलॉयज भी मैट में पेंट करवाए। ओके तो मुझे ये इसकी मैट लुक रखनी थी, मैट लुक रखनी थी, थोड़ा रफ रहता है, जो मैंने थार दिखाई थी उसकी मेरे अलॉयज और ये सब मैंने सारे मैट रख रखे हैं। मेरे को तो ग्लॉसी मिली थी, मेरे को तो करानी करनी पर, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को करानी थी वो मैंने करा ली, बाकी कोई नहीं। देखो गाड़ी पे तो मॉडिफिकेशन और ये सारी चीजें चलती रहती है, और गाड़ी पे कहते हैं गाड़ी और घर में कितना पैसा लगा लो, जितना मर्जी लगा लो भाई, ये सच्चाई बात है। बट सही है, गाड़ी तो ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि एक बार लाओ उसको रखो, फिर जब आपको लगे कि यार अभी थोड़ा बोर हो गए हैं देख देख के, उस पे फिर मॉडिफिकेशन करा, फिर मॉडिफिकेशन करवा दो। और ये तो पंजाब में तो चलता ही मॉडिफिकेशन है, पंजाब में जब तक मॉडिफिकेशन नहीं होती जब तक गाड़ी की गाड़ी नहीं बोल सकते ना। ठीक है, बिल्कुल, आप आओ दिल्ली, अच्छा लगा मिलके भाई, बिल्कुल सेम हेयर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत लोगों ने कमेंट किए हुए थे, वो सपना पुन का सबका सच कर दिया है, दोनों आठ नंबर एक साथ खड़ी कर दी है। आओ दिल्ली आप, पक्का आके जाते आपके, हम ठेका लेके जा रहे हैं, मैंने जैसे बोला था आपका ठेका पूरा करेंगे हम एक दिन जरूर। फिलहाल अभी निकल लिए हम, एंड यहाँ से अभी हम जा रहे सीधा मनाली। बहुत अच्छा लगा भाई मिलके जस्सी भाई से, बहुत ज्यादा, सही बताऊं तो बहुत डाउन टू अर्थ है, वो वाली बात है, आठ से आठ कनेक्ट हुए तो देखो ठाट भी बहुत बड़े होंगे फिर तो। बाकी गाड़ी की बहुत सारी बातें हुई है आपस में दोनों की, कि भाई क्या क्या कराना चाहिए क्या क्या नहीं, और सबको प्यार होता है अपनी अपनी गाड़ियों से, कि भाई यार गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी ऐसी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, गाड़ी में ये होना चाहिए ये होना चाहिए। गाड़ी जा रही है उनके आगे, देन हम यहाँ से सीधा हम जाएंगे मनाली, हमारा बहुत अच्छा प्लान बना है जो आपको आगे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। बाकी भाई गर्मी बहुत है, अभी आ चुका है हिमांशु ड्राइविंग सीट पे, और तुम्हारा भाई आ चुका है साइड वाली सीट पे। अभी हम रुके हैं भाई कुछ खाने के लिए, मतलब बर्गर लेने के लिए, इसको भूख लग रही थी, मगर चलो खा लेते। तुम्हारे भाई ने तो ब्रेकफास्ट में पूरा पेट भर लिया था, मैंने मंगाए थे तीन पराठे जो कि उसने एक एक्स्ट्रा दे दिया था, चार दे दिए थे, चार नहीं खाए गए मेरे से, दो ही खाए गए थे, दो में पेट भर लिया था मैंने। और यहाँ से मनाली रह गया है भाई पांच घंटे की दूरी पे, 262 किलोमीटर दिखा रहा है, बट मुझे लग रहा है जो एक किलोमीटर दिखा रहा है ना ये पुराने वाले रास्ते से दिखा रहा है, जो नया रास्ता है वो भी गूगल मैप पे लास्ट टाइम भी नहीं दिखा रहा था, शायद अब भी नहीं दिखा रहा होगा। बाकी देखो टनल खुलती है नहीं खुलती है, और मौसम कैसा रहता है, यहाँ पे तो मौसम खुल चुका है, ऊपर पहाड़ों का नहीं पता, पहाड़ों का तो कभी पता ही नहीं चलता क्योंकि पहाड़ों पे आप जाओगे दो मिनट में मौसम चेंज है। जो पहली टनल है वो क्रॉस करने वाले हैं, सीन ऐसा था कि पुलिस वाले बोला कि ऐसे कर दिया था, मैंने बाबूजी ऐसे मत करो, गरीब आदमी गरीब कहता नहीं, तो तुम्हें कह रहा गाड़ी देख कर अगर शर्म कर ले कुछ तो शर्म कर ले, कह रहे कहाँ जाओगे मोजी मनाली जा रहे हैं, जल्दी से निकल जा निकल जा निकल जा, हिमाचल पुलिस सच में बहुत प्यारी भाई, रिक्वेस्ट करने से पूरा जा जा जल्दी निकल जा। टनल नंबर वन, एक्चुअली इस पे भी काम चल रहा है, लास्ट टाइम जो मेरी गाड़ी पे पेंट लगा था उस टनल से लगा था, मैं दिखाता हूँ टनल से कैसे लगा था, क्योंकि जब हम निकल के गए उस टाइम इसमें पेंट का काम चल रहा था, ऊपर वाला जो पेंट हो रहा है ये पेंट लगा था मेरी गाड़ी पे। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं मनाली से वापस आ रहा था इसी टनल में फंसा था मैं उस टाइम। कितनी टनल बनाई है भाई तू देख लेगा तू रास्ता, अगर अब तेरा दिल खुश हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। वाओ मनाली पहुंच गए, अभी तो तू देख रास्ते पूरे बहुत फाट रास्ता है। कितने का है मैं पेट्रोल? 7340 रुपये का, ऑलमोस्ट 76 लीटर इसमें पेट्रोल आया, रेट है 96। हमने सोचा कि हिमाचल में सस्ता है तो सस्ता है, इस वजह से हमने यहाँ डलवा लिया पेट्रोल। अभी मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था तो हिमांशु गाड़ी चला रहा है, और घर से हिमांशु ही चला के लेके आ रहा है, मजा आ रहा साइड बैठ के। बट मेरे को झपकी सी आ गई थी नींद की, मगर मैंने सोचा चला ठीक है यार पहाड़ों में गाड़ी चलाना सीख जाएगा। तो भाई बीच में कुछ ऐसा था नहीं कि जो मैं शूट करता, बट अभी ऐसा आ चुका है क्योंकि अब आ रही है बारिश, अब हम थोड़ा सा जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे पहाड़ों में बारिश पड़ती जा रही है।
भाई बारिश ने तो कुकर फाड़ दिया, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज, और एकदम से अभी स्टार्ट हुई है बारिश। अभी फिर हम गए चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा मानसू को रेस्ट मिल जाएगा और इसके आगे गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा क्योंकि अब बारिश तेज होने लगी है यार। तो भाई बारिश हो चुकी है बंद, हमने थोड़ी देर चाय पीने के लिए रुके थे, चाय पी ली है, एंड जो भाई ढाबे वाले थे वो बता रहे थे कि हाँ अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जो पैच आता है एक वहाँ पे, कह रहा है वहाँ तो देखो सर होती रहती है। और उन्होंने बोला देखो इसका तो कोई कंफर्म कर ही नहीं सकता कब लैंडस्लाइड होगी कब नहीं होगी, किस पत्थर पे किसका नाम लिख रखा है। अभी टाइम हो चुका है भाई 10:30 एंड हम पहुंच चुके हैं मनाली माल रोड। हाँ वो काई कर रही थी क्या है भाई, इतनी भीड़ नहीं है जितनी सोची थी ना, और ना मैं पहले फिर खाली देखा ही आ टाइम, मतलब जैसे लोगों ने बोला था कि भाई रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड, वैसे कुछ भी नहीं था, बहुत साफ रास्ते हैं, क्लीन रास्ते हैं, इवन ट्रैफिक भी नहीं है, अगर आना चाहते हो खूब आवाज तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी माल रोड में इतना ट्रैफिक नहीं है ना भीड़ है, वरना यहाँ पर तो भाई इतना जाम लगा रहता था। अभी फिलहाल 10:30 हो चुके हैं, अभी हमने ना लास्ट टाइम जब यहाँ चिकन खाया था तो वही खाने आए हम, मैं यार चिकन खाते कल ट्यूजडे हो जाएगा, देन उसके बाद हम फिर निकल जाएंगे आगे के लिए। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं होटल में, और भाई रूम चेक करो क्या प्यारा रूम है, एक तो रूम बहुत बड़ा है ठीक है, ऊपर से वॉशरूम भी बहुत बड़ा है, सेकंड चीज इसमें बाथ टब भी है, और हिमांशु के साथ और उंडो ही तो ठीक है, मैं तो आऊंगा ना पूरा 6 फुट तो पैर ऊपर कर लेना, पैर में कौन नहा रहा है, कह रहा है नीचे डूब जाऊंगा मैं, नहा दिखा लीजिए ऊपर को। बाकी भाई और एक सबसे प्यारी चीज इस रूम की क्या है पता मैं आपको, वो है बालकनी, और यहाँ से जो सामने का व्यू है वो बहुत ही प्यारा। अपनी गाड़ी यहाँ से लेफ्ट में खड़ी है और ये व्यू है अपना मेन रोड मनाली हाईवे, कल कनेक्ट सीधे यहाँ से होके निकल जाएंगे, ये भी नहीं कि हमें अंदर से जाना पड़ेगा। तकिए इतने बड़े बड़े हैं, हमसे बड़े तकिए हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रही तकियों को हम करेंगे कैसे और यूज़ कैसे होंगे ये तकिए। और भाई हम गए थे माल रोड पे खाना खाने के लिए, तब तक हम पहुँचे वो बंद कर चुके थे, मतलब 11 बजे का टाइमिंग थी, बट उन्होंने 10:30 बजे कुर्सी बहुत दी मार दी, मैंने कह रहा सर कुर्सी में तो उल्टी कर दी, मैं भाई हम सीधी कर देंगे, बस खाना दे दो, क्या लगा नहीं, फिर हमने आपके होटल में ही ऑर्डर दे दिया। खाना टाइम नहीं हुआ भाई साहब ने तो भी दिया, कैसे बन रहा है